तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ और डिस्कस करेंगे एक्सेल में सॉर्टिंग, एडवांस सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे आज। तो क्या हमने नॉर्मल सॉर्टिंग जी, अब बात है नॉर्मल सॉर्टिंग एडवांस सॉर्टिंग में क्या अंतर है। तो सर हम बात कर रहे हैं कुछ ट्रिक्स की, ठीक है। एक छोटा सा डेटा लेता हूं और जाता हूं नई एक्सेल फाइल पे, मैं पेस्ट करता हूं। तो हमने कल सॉर्टिंग के सारे चीज बता दी थी कि कैसे सॉर्टिंग की जाती है, कैसे कस्टम यूज करोगे, कैसे कलर के सॉर्टिंग यूज करोगे, कैसे आप आइकन के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करोगे, कैसे आप लेफ्ट टू राइट करोगे, टॉप टू बॉटम करोगे, सब बता दिया था मैंने आपको। अब मुझे एक चीज बताइए कि मुझे क्या है कि हर एक लाइन के नीचे एक ब्लैंक लाइन ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसके लिए अगर हम कोई और तरीका अपनाएं तो थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन एक तरीका है जिसके जरिए हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे कि एक कॉलम ऐड करेंगे, उसमें एक नंबर लिखेंगे, ठीक है। और नंबर ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस नंबर को कॉपी करेंगे, इसी के नीचे हम पेस्ट कर देंगे। तो मेथड क्या है कि जब हम सीरियल नंबर जो दिख रहा है आपको, इस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट करेंगे। तो जैसे हम असेंडिंग करेंगे तो यहां भी वन है और नीचे भी हमारा वन है। सॉर्ट करते समय जो नीचे का वन है, ये नीचे का वन है, क्योंकि वन सिर्फ अकेले तो नहीं जाएगा, अपनी पूरी रो लेके जाएगा ऊपर, इस वन के नीचे आ जाएगा इस तरह से, ऐसे टू के नीचे टू आ जाएगा। तो एक लाइन डेटा होगा, एक लाइन ब्लैंक होगा, बाद में हम इस लाइन को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हम सॉर्ट करते हैं शॉर्ट, यहां पे हम सीरियल नंबर लेते हैं, डाउट इसमें में आता है कि आपके पास ऐसे डेटा होंगे जिसमें बहुत सारे ब्लैंक रो होंगे और मुझे उस ब्लैंक रो को हटाना है। तो बहुत करते हैं कि अपने पूरे डेटा को कॉपी करके पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिल्टर अप्लाई करते हैं। हम यहां पे फिल्टर अप्लाई करते हैं, फिर फिल्टर बाई ब्लैंक करते हैं और फिर उसको डिलीट करते हैं। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तरीका सही क्यों नहीं है कि जब आप ब्लैंक डिलीट करोगे तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपने 3 और 5, हो सकता है पीछे के अंदर का जो 4 है वो भी डिलीट हो जाएगा सर। ओके, समझे कि नहीं? उतना नहीं समझे सर, थोड़ा रिपीट कर सकते थे? मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि मेरा काम क्या है, काम ये है कि मैं अपने जो नीचे है, मैं इसके अंदर जो भी ब्लैंक है, सारे ब्लैंक को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ओके, ओके सर, ओके सर। तो पूरे ब्लैंक रो को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कि
उसके लिए जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं एक तो मोस्टली लोगों को मैंने देखा करते हुए कि पहले वो डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके वो फिल्टर अप्लाई करते हैं और फिर फिल्टर में वो ब्लैंक को सिलेक्ट करते हैं। ब्लैंक रो है उसको डिलीट करते हैं, लेकिन ब्लैंक रो डिलीट करते समय पीछे का भी डेटा, जैसे मान लीजिए आपने 305 को डिलीट किया तो हो सकता है नीचे 4 जो है वो भी डिलीट हो जाए। तो ये तरीका सही नहीं है। तो सही तरीका क्या है? क्या सर? अच्छा, तो सही तरीका क्या है? सही तो सही तरीका में हम सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं सर। क्या हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, तरीका। कस्टम शॉर्ट में जाएंगे तो सर एक बार क्या होता है कि डिलीट एक और चीज बताता हूँ, डिलीट करते समय आपको एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि जो पीछे का डेटा है वो भी डिलीट होने का चांसेस है, साथ में वो मतलब कि काफी टाइम लेता है, काफी हैंग होता है। लेकिन ये मेथड जो है सॉर्टिंग वाला मेथड, ये तो इसके डिलीट होने के चांसेस नहीं है क्योंकि हम डिलीट कर ही नहीं रहे, क्योंकि किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग हम डेटा को शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो शॉर्ट करने से क्या होगा कि जो आपकी ब्लैंक रो है वो ब्लैंक रो आपके नीचे आ जाएगी, नीचे दिख रहा है ना सर ब्लैंक। नीचे ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है? ओके, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इसमें नहीं सर। Yes, sir, this is me. तो अब आगे क्वेश्चन और करते हैं इसमें, जैसे कि हमारे पास हमने एक एक रो इंसर्ट कर लिया, अब मुझे इसमें मान लीजिए कि कुछ तीन तीन रो इंसर्ट करने, तब क्या करेंगे? तीन तीन रो हमें स्टार्ट करने हैं तो हम कैसे करेंगे? तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं और सीरियल नंबर में 1 को मैं 3 बार रिपीट कर दूंगा, फिर इसमें हम इसको +1 कर देते हैं, ठीक है? और नीचे की तरफ कर देते हैं, तो मेरा हर नंबर 3 बार हो गया ना। अच्छा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि नीचे हम नंबर लिखेंगे, 32 है, 32 है, तो मैं यहाँ पे मैनुअली 32 सीरियल नंबर दूंगा, हर नंबर यहाँ नीचे एक बार ही रहेगा, ठीक है? अब मैं ओके, शॉर्ट सेम है कि ये हमारा 1 है और इसके नीचे हमारा ये नीचे वाला 1 आएगा, नीचे वाला 1 हमारा ब्लैंक है, ये पूरा ब्लैंक रो के इसके नीचे आ जाएगा, तो एक के बाद तीन के बाद एक रो इंसर्ट हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा कस्टम शॉर्ट में हम यहाँ एस आई डी के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर। क्लियर है सर? कोई डाउट इसमें? ले।
अच्छा अच्छा ये आप लोगों को मैंने अपने अपने बैच का एक ग्रुप बना दिया है, जो सबको मैं अभी मैनेजिंग को मैसेज करना भूल गया था, तो अब मैं ग्रुप में डाल दिया करूंगा ताकि मैं भूलूंगा नहीं। ठीक है, ओके सर। तो कोई ग्रुप में नहीं हो मुझे बता दीजिएगा, तो लोग ग्रुप में नहीं होंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, एक और सिंपल सा हम अपना रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास नेम है, यहाँ नेम हम यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ऐसे मेरे पास हो सकते हैं ज्यादा प्रोडक्ट हो, फिलहाल मैंने 33 रखा, हो सकता है कि ये 90 हो, 100 हो, 200 हो। ठीक है, अपना डेटा बना लिया। अब मुझे इस डेटा पे क्या करना है कि हर कॉलम के बाद एक हमें ब्लैंक लाइन इंसर्ट करना है, उसमें हमें परसेंटेज का सिंबल देना है, और फिर हमें इसको डिवाइड करना है किसे, 70 से। फिर उसको नीचे की तरफ मुझे ड्रैग करना है और उस पर फिर मुझे परसेंटेज का सिंबल देना है, और परसेंटेज का सिंबल देने के बाद वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मुझे ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 100% और ग्रेटर देन लेस देन 50% को कलर करना है। ओके, तो इसमें हमारा काफी टाइम लग सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे तो एक एक करने में काफी टाइम लगेगा, तो हम इस मेथड का हम अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, ऊपर में एक रो इंसर्ट करेंगे, यहां पे टू हम यहां पे टाइप करेंगे और इसको हम आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ठीक है, और फिर इसी नंबर को कॉपी करेंगे, इसके आगे इसको हम पेस्ट कर देंगे, इस पे हम परसेंटेज का सिंबल दे देते हैं और इसको ड्रैग कर देते हैं, सारा परसेंटेज हमारा हो गया। वेरी इजी। क्या जो हेडिंग है दे दिया, ओके अभी हमने यहाँ पे एक एक रो इंसर्ट किया था ना, तो हमने शॉर्ट किया, सिंगल था ओरिजिनली, अब हम शॉर्ट करेंगे वर्टिकली। अच्छा ठीक है, ओके सर। तो हम यहां पे आएंगे, नीचे से 14, एक मिनट, इसमें हेडिंग इसलिए सिलेक्ट करना है मुझे। हाँ, मैं नीचे 14 तक सेलेक्ट आ जाता हूँ और उसके बाद जाता हूँ कस्टम शॉर्ट में। कस्टम शॉर्ट में आने के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन पे आता हूँ और करता हूँ लेफ्ट टू राइट, मुझे लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करने हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि रो नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, शॉर्ट हो गया, और मैं एक रो यहां जो है उसको मैं डिलीट कर देता हूं। हो गया डिलीट। ओके
आप क्या करना है, एक एक मेथड और है, जैसे कि एक सिलेक्टेड एरिया में अगर हम कुछ टाइप करते हैं, क्योंकि हमने आधा काम तो कर लिया, अब मेरे पास आधा काम है कि हर सेल में जाके डिवाइड करना, ड्रैग करना, परसेंटेज लगाना, ये काम तो बच ही गया ना सर। तो एक सिलेक्टेड सेल में हम किसी भी नंबर पे टाइपिंग कर सकते हैं, तो नॉर्मली एंटर मारोगे तो नीचे आ जाएगा सेकेंड के लिए, लेकिन आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो जितना सिलेक्टेड एरिया है उसमें पूरा वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा एक ही बार। ठीक है, तो अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कैसे सिलेक्ट करें, तो आपके फाइनल सिलेक्ट में गो टू स्पेशल होता है। गो टू स्पेशल में मतलब एक सिलेक्शन होता है, मान लीजिए आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, वैल्यू सिलेक्ट करना है, करंट रीजन सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, या विजुअल सेंस को करना है, या कंडीशनल मेमोरी को करना है, तो ये आप जो क्लिक करेंगे वो ही डेटा सेलेक्ट होगा। जैसे कि मैंने ब्लैंक को सिलेक्ट कर लिया और ओके किया, तो इस डेटा में जितने भी ब्लैंक है वो आपका सिलेक्ट हो गया, यूज्ड सेल के ब्लैंक। आप बोलोगे सर नीचे भी तो ब्लैंक थे, वो नहीं सिलेक्ट किया, नहीं, जो यूज्ड सेल है, जहाँ तक सेल अच्छा हुआ है अच्छा तो उसकी जो है ब्लैंक सेल हाई सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मेरा कर्सर क्या है, C2 पे है। अगर कर्सर सी ना हो तो टैब मार के अपनी पोजीशन पे ला सकते हो, शिफ्ट टैब से और शिफ्ट टैब से। ठीक है, टैब से आगे बढ़ेगा, शिफ्ट टैब से पीछे आएगा, और फिर इसको चेक अच्छा कीजिए और डिवाइड बाय 70 हो गया। और मैं यहाँ पे अगर सिंपल एंटर मारा तो फिर ये आपका C3 में चला जाएगा कर्सर। तो मैं यहाँ पे सिंपल एंटर नहीं मार रहा हूं, मैं मार रहा हूं कंट्रोल एंटर, ताकि कॉपी होके सारे सिलेक्टेड एरिया में चला गया। सर परसेंटेज का सिंबल दिया तो परसेंटेज का सिंबल सब पे अप्लाई हो गया, और साथ में मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बार सिलेक्ट कर लीजिएगा, बाद में अगर सिलेक्शन हट गया दिक्कत हो जाएगी सर। कोई दिक्कत नहीं सर, अगर मान लो सिलेक्शन हट भी जाता है, तो मैं मान लीजिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, अगर सिलेक्शन हट भी गया आपको हटा लिया, अब फिर सिलेक्ट करना है तो आप गो टू स्पेशल में जाया कर सकते हैं, गो टू स्पेशल, और यहाँ पे आप कर दीजिए फॉर्मूला, ठीक है, एंड ओके। हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला जो अभी अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लगाया है वही फॉर्मूला लगा हुआ है ना सर। अब मुझे इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है कि भाई ग्रेटर देन 100% उसको ग्रीन कलर करना है, परसेंट उसको हमें ग्रीन कलर करना है, और फिर यहां पे लेस देन 50% पे हमें रेड कलर करना है, क्या हो गया सर। तो एक अच्छा काम अच्छा को हमने बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से कर दिया, अच्छा क्या बोल रहे सर रोबिन जी एंड। बहुत मजा आएगा ऐसा इसमें हाँ, तो इसी तरह से हम रिपोर्ट को एकदम ऑटोमेट करते हैं। अच्छा, 6 लोग ज्वाइन है ना आज, नहीं 5 लोग है ना, सब लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ना सर।